चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों की नंबर वन अदाकारा आम्रपाली दुबे ने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म जिला चंपारण को इस साल की सबसे बड़ी सफल फिल्म बता रही है। उन्होंने कहा है कि जिला चंपारण भोजपुरी दर्शकों को बेहद ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। फिल्म काफी अच्छी बनी है और फिल्म के कलाकारों ने अपना 100% दिया है। फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित बताई जा रही है जो लोगों के बीच आसानी से संवाद स्थापित कर सकेगी। फिल्म के भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और हॉट अदाकारा मोहिनी घोष के साथ मोहिनी भट्टाचार्य के साथ केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनाई गई है। आम्रपाली दुबे ने कहा कि जिला चंपारण 22 सितंबर से पूरे बिहार में एक साथ रिलीज किया जा रहा है। हालांकि इस महीने के पहले सप्ताह में रिलीज होने वाली थी मगर बिहार में आई भीषण बाढ़ को देखते ही निर्देशक लाल बहादुर पंडित ने फिल्म के डेट को आगे बढ़ा दिया। इस बारे में खेसारी लाल यादव ने हमसे बात की है कि हमारा मानना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए हमने फिल्म के रिलीज को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने फिल्म के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि जिला चंपारण की शूटिंग कोलकाता के खूबसूरत लोकेशन पर जोर शोर से किया गया है। फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर पहले ही आउट कर दिया गया है जिसे दर्शक बेहद ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उम्मीद है कि जिला चंपारण इस साल की बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी। फिल्म के मुख्य कलाकारों में बात करें तो खेसारी लाल यादव के साथ मोहिनी घोष, मणि भट्टाचार्य के अलावा अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, मनोज टाइगर, मोहन आनंद, किरण यादव जैसे मजे हुए कलाकार फिल्म में नजर आने वाले हैं।